की क्लास में हम लोग असाइनमेंट नंबर 13 देखेंगे, जिसमें हमको क्लिप आर्ट और वर्ड आर्ट का यूज करना है। असाइनमेंट नंबर 13 हमको सिखाएगा कि क्लिप आर्ट और वर्ड आर्ट का यूज कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ, पुराने डेटा को क्लियर कर लेता हूँ। मुझे रैबिट का यहाँ पर क्लिप आर्ट बनाना है, तो इंसर्ट में देखिए क्लिप आर्ट ऑप्शन होता है। क्लिप आर्ट ऑप्शन में आप रैबिट लिखेंगे तो आपको ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिख करके सर्च करना है, क्लियर है, और इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका रैबिट आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, 2-3 रैबिट मैंने ला दिया। मैंने जानबूझ के एडिशनल इमेज लाई है, और आप इसको राइट क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, एडिट पिक्चर, और आप इनका कलर चेंज कर लीजिए, अलग अलग कलर के रैबिट्स रखिए आप। कलर भी चेंज कर सकते हैं आप बिल्कुल, ठीक है। तो 3 तरीके के रैबिट मैंने बनाए, आप 5-6 जितना बनाना है बनाइए। और रैबिट बनाने के बाद आगे आपको बनाना था, यहाँ पर लिखना था रैबिट, वो भी वर्ड आर्ट से लिखना था। तो मैं यहाँ पर आपको और दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 3 रैबिट और बनाए हैं। राइट क्लिक करना है, एडिट पिक्चर, फिर रैबिट पे क्लिक करिए। यहाँ पर फॉर्मेट में बहुत सारे कलर आ रहे हैं, कोई भी अच्छा कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चों की बुक में देखे होंगे ऐसे मल्टीपल डायग्राम्स बने होते हैं, क्लियर है। और आपको यहाँ पर लिखना है रैबिट, तो आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर वर्ड आर्ट ये दिख रहा है आपको, ये वाला यूज़ किया गया है उसमें। और यहाँ पर आपको लिखेंगे रैबिट, तो ये आपका रैबिट लिखा जाएगा। उसको आप इसकी साइज, पोजीशन सब कुछ चेंज कर सकते हैं। याद रखना, कोई भी चीज़ की अगर हमको पोजीशन चेंज करनी है तो उसका अलाइनमेंट चेंज करना होता है। कैसे चेंज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऑर्डर में जाते हैं, इसमें ऑर्डर अभी इनेबल नहीं है, चलो ठीक है, इसको हम लोग सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा ऐसा बड़ा कर लेते हैं, क्लियर है। तो ये हमारा असाइनमेंट नंबर 13 था, असाइनमेंट नंबर 13।